अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे जो 2022 में जितने भी आपके पास सेक्शन बी में क्वेश्चंस आंसर्स आए हैं और जो सेक्शन सी में डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। अच्छा, यहाँ पर आपके पास सेक्शन बी पास्ट पेपर्स 2022 से जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन बी में आपके पास आते हैं शॉर्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब इसमें क्या होता है कि देखें, इसमें आपके पास जो आंसर आपको लिखना होता है वो तकरीबन 6 to 7 लाइंस तक जो है वो होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा डिटेल में आप कोई भी सवाल का जवाब जो है वो नहीं देंगे। तो सेक्शन बी जो है वो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। उसमें नंबर 1 आपका है, व्हाट इज एन इंटरप्रेटर, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ कंप्यूटर, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या होता है और ये कंप्यूटर से किस तरह जो है वो मुख्तलिफ समझा जाता है, फर्क समझा जाता है इसमें। एंड इंटरप्रेटर इज द प्रोग्राम डेट रीड्स एंड एग्जीक्यूट्स कोड रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन एंड जावा स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के जो कोड होते हैं उनको रीड भी कर रहा होता है, उनको एग्जीक्यूट भी कर रहा होता है, जैसे कि पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है या सी लैंग्वेज है, C++ है, इस तरह की और हाई लेवल लैंग्वेजेस आ जाती हैं, उनको जो है रीड भी कर रहा होता है और एग्जीक्यूट भी कर रहा होता है। अब देखिए, इंटरप्रेटर करता क्या है, इंटरप्रेटर बेसिकली एक ट्रांसलेटर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। तो एंड द इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स ईच लाइन ऑफ कोड इनटू मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे क्या है कि देखें, इंटरप्रेटर जो है वो जब आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो उसमें जो कोडिंग होती है वो लाइन बाय लाइन जो है उसको रीड कर रहा होता है, तो उससे हम कहते हैं इंटरप्रेटर, जो कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को रीड कर रहा हो, उसको जो है वो कन्वर्ट कर रहा हो मशीन रीडेबल फॉर्म के अंदर, उन्हें जो है वो हम इंटरप्रेटर का नाम देते हैं। वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन एन इंटरप्रेटर एंड अ कंप्यूटर। अब देखें, इंटरप्रेटर कंप्यूटर की अगर बात की जाती है तो इन दोनों में फर्क क्या है, इंटरप्रेटर जो है वो एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या एक ट्रांसलेटर भी आप इसको कह सकते हैं, जबकि कंप्यूटर क्या है, एक फिजिकल डिवाइस होती है जो कि हार्डवेयर के कंपोनेंट से मिलके बनाई जाती है। द कंप्यूटर्स हार्डवेयर इंक्लूड्स, अब उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज एंड अदर कंपोनेंट्स डेट वर्क टूगेदर टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। ये सारे पार्ट्स जो है वो आपके हार्डवेयर के ये मिलके जो है आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और आगे जो है वो उसको रन करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 to 7 लाइंस तक का जो है वो एक आंसर, इस तरह से जो है वो आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के जो है वो क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अच्छा, अगर यही सवाल आपका आ जाता है कि इंटरप्रेटर क्या है और ये कंपाइलर से किस तरह फर्क करता है, तो देखें, इंटरप्रेटर तो सेम वही चीज हो गई कि जो है वो एक ट्रांसलेटर है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि आपके कोड को रीड और एग्जीक्यूट करवा रहा होता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर से मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या कर रहा होता है, एक लाइन को एक ही वक्त में ट्रांसलेट करता है। लेकिन कंपाइलर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लेकिन वो क्या करता है कि आपके पूरे प्रोग्राम को एक ही वक्त में ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें क्या होता है, आफ्टर द सोर्स प्रोग्राम हैज बीन कन्वर्टेड दिस न्यू फाइल इज नोन एज ऑब्जेक्ट फाइल। अब क्या होता है कि जब सोर्स प्रोग्राम की फाइल कन्वर्ट हो जाती है तो एक नई फाइल बनाता है जिसको आप ऑब्जेक्ट फाइल या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का नाम देते हैं, और कंपाइलर जो है वो इंटरप्रेटर से फास्टर होता है और इंटरप्रेटर जो है वो कंपाइलर से स्लोअर होता है, क्योंकि इंटरप्रेटर 1 by 1 स्टेटमेंट को प्रिंट करवा रहा होता है, उसको जो है वो कंपाइल करवाता है, जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही वक्त में ट्रांसलेट करके जो है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, राइट इट्स स्टेप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब देखिए, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होती है, डेटा इज कंप्राइज ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होती हैं वो आपका डेटा कहलाता है।
अब क्या है कि विच द कंप्यूटर स्टोर्स एंड रीड्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। अब वो चाहे नंबर्स की फॉर्म में हो, कैरेक्टर्स की फॉर्म में हो, उनको कंप्यूटर स्टोर कर रहा होता है और रीड कर रहा होता है, वो आपका डेटा कहलाता है। अब कंप्यूटर क्या है, द कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन कंटेन इन सॉफ्टवेयर एंड वंस द डेटा हैज बिन प्रोसेस इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें वो कंप्यूटर जो है वो आपके डेटा को प्रोसेस करता है, जो भी आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी होगी, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर के मुताबिक आपने उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन दी है, वो उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है उस डेटा को प्रोसेस करेगा। अब क्या होता है कि जब डेटा प्रोसेस हो जाता है, एक मीनिंगफुल फॉर्म में डेटा कन्वर्ट हो जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। अब यहाँ पे क्या है, द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इज अ हेल्पफुल मॉडल मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप विद डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक डेटा प्रोसेसिंग साइकिल जो है वो एक मददगार साबित हो सकती है ये समझने के लिए कि डेटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए हम जो है वो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल को डायग्राम्स के जरिए समझ रहे होते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी डायग्राम है, इसमें क्या है कि आपने डेटा को इनपुट किया, जो आप डेटा इनपुट करेंगे वो उसके मुताबिक क्या होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद देन उसका जो है वो आपको आउटपुट इंफॉर्मेशन के तौर पर मिल रही होती है। नंबर 3 क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में फर्क क्या होता है। अच्छा देखें, जो भी आप क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे तो कोशिश ये करिएगा कि उनको जो है वो हेडिंग वाइज जो है वो आप उनके आंसर दे रहे हो, ठीक है। आप तो आपने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी, डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। अब यहाँ पे क्या है, देखें, द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी इज द टेंजिबल फॉर्म ऑफ द आउटपुट। टेंजिबल कहते हैं जिसको आप टच कर सकें, उस फॉर्म को कहा जाता है टेंजिबल। अब इन दोनों में फर्क क्या है, अ हार्ड कॉपी डिनोट्स अ फिजिकल प्रिंट आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट यूजुअली ऑन पेपर, ठीक है, यानी कि एक पेपर पर आपको जो प्रिंट आउट मिल रहा होता है फिजिकली तौर पर, वो आपका हार्ड कॉपी कहलाता है। जबकि वाइल अ सॉफ्ट कॉपी डिनोट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ आर डॉक्यूमेंट और इमेज। अब सॉफ्ट कॉपी क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन हो सकती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, इमेज की, ठीक है, जो कि कंप्यूटर पर स्टोर की जाती है एक डिजिटल डिवाइस की मदद से, ठीक है। आप हार्ड, जैसे कि आपका कोई, आप कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन पर कोई टेक्स्ट फाइल देख रहे हैं, तो वो आपकी एक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म कहलाएगी। फर्दर मोर हार्ड कॉपी कैन बी टच, यानी हार्ड कॉपी को आप टच कर सकते हैं, हेल्ड एंड फिजिकली मूव भी उसको करवा सकते हैं, जबकि सॉफ्ट कॉपी जो है वो एक इनटेंजिबल होती है, यानी कि आप उसको टच नहीं कर सकते, एंड कैन बी एफर्टलेसली रेप्लिकेटेड एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आप उसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं और शेयर भी करवा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि वन डिवाइस से, एक डिवाइस से दूसरे कंप्यूटर पर उसको जो है वो मूव करवा सकते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, व्हाई रोम इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेम जो है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, तो रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं। देखिए, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी बिकॉज इट रिटेन्स डेटा इवन वेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाए तो जो उसमें डेटा होता है वो उसमें मौजूद रहता है, परमानेंट तौर पर जो है वो उसमें डेटा आपका स्टोर रहता है, तो इसलिए उसको जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल कहते हैं जहां पे डेटा आपका मुस्तकिल तौर पर जो है वो सेव हो जाए, अनलाइक वोलेटाइल मेमोरी सच एज रैम। जैसे कि रैम है, अपडेट रैम में क्या होता है कि जैसे ही आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा तो जितना भी डेटा रैम में स्टोर होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वहां से जो है वो खत्म हो जाता है। द डेटा इज प्रोग्राम ऑन टू द मेमोरी चिप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इज नॉट डिजाइन टू बी मॉडिफाइड और इरेस्ड। अब इसमें क्या है कि देखें, जब एक सिस्टम को डिजाइन किया जाता है तो उसमें रोम में क्या होता है कि उस चिप पर उस जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है। आप एक बार उसको डिजाइन कर दिया तो उसको ना आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ना आप उसको जो है वो इरेज करवा सकते हैं। एज अ रिजल्ट रोम इज सुटेबल फॉर स्टोरिंग एसेंशियल सिस्टम प्रोग्राम डेट मस्ट बी एक्सेस क्विकली एंड रिलायबली एवरी टाइम द कंप्यूटर इज स्टार्टअप। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि देखिए, रोम को आप यूज कर सकते हैं स्टोरिंग जो आपके एसेंशियल सिस्टम प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है,
तो ये सारे जो स्टार्टअप फंक्शंस होते हैं, बूटिंग फंक्शंस होते हैं, वो सारे रोम की मदद से ही जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो इसलिए इसको जो है वो रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो कहा जाता है। नंबर 5, राइट एनी 4 एब्यूसिस ऑफ इंटरनेट। अगर 4 एब्यूसिस की बात की जाए तो बहुत सारे हैं जिसमें से आपके पास 4 हैं। नंबर 1 पे साइबर बुलिंग के नाम से आ जाता है, ठीक है, ये टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ऑनलाइन हैरेसमेंट है, स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन है, इलीगल एक्टिविटीज आ जाती हैं जैसे कि हैकिंग है या फ्रॉड है, ये तमाम जो है वो आपके इंटरनेट के एब्यूसिस में, या आप इसको डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट का नाम भी दे सकते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है कि राइट एनी 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट या राइट एनी 4 एब्यूसेस ऑफ इंटरनेट या राइट एनी 4 डीमेरिट ऑफ इंटरनेट, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आंसर आप ये जो है इसमें 4 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। नंबर 6 पे है स्टेट कॉपीराइट लॉ गिव इट्स एडवांटेजेस। अब यहाँ पे क्या है, कॉपीराइट लॉ किसको कहते हैं और उसके फायदे कौन कौन से हो सकते हैं। कॉपीराइट लॉ इज अ लीगल फ्रेमवर्क दैट ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल वर्क सच एज लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट एंड सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ देयर क्रिएशन। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए कॉपीराइट लॉ एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें आपके पास ये राइट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, जो भी उस प्रोग्राम्स को, उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर रहा होता है उसके पास, ताकि वो उसकी जो है वो उसको प्रोटेक्शन में रख सके। अब वो चाहे वो आपके लिटरेचर से, अदबी अदब से रिलेटेड हो, मौसीकी से रिलेटेड हो, कोई फन से रिलेटेड हो, कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, उन सबको कंट्रोल करने का काम, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, रिप्रोडक्शन करने का काम, ठीक है, उनकी क्रिएशंस को बनाने का काम जो है वो किसका होता है, कॉपीराइट लॉ का होता है। अब उस पर अगर उनके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो नंबर 1 पे है प्रोवाइड्स अ लीगल मैकेनिज्म फॉर क्रिएटर टू प्रोटेक्ट देयर वर्क फॉर अनऑथराइज यूज और इन्फ्रिंजमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि जो अनऑथराइज यूज उसको कर रहे होते हैं उनसे बचाने के लिए भी इस कॉपीराइट लॉ का यूज किया जाता है। नंबर 2, फैसिलिटेट्स द डिजिमिनेशन ऑफ नॉलेज, कल्चर एंड आइडियाज बाय अलाउइंग क्रिएटर्स टू कंट्रोल हाउ देयर वर्क्स आर यूज एंड शेयर। अब यहाँ पे वो इसकी भी हिफाजत करता है कि उनको अपने काम को किस तरह से शेयर करना है, आगे उसको वो फैलाना है, अब वो कल्चर से रिलेटेड हो, उनके आइडियाज हो, उनकी क्रिएटिविटी हो, ये तमाम उनको महफूज करने का काम भी जो है वो इन कॉपीराइट लॉ का होता है। नंबर 3, इंश्योर दैट वर्क्स आर एक्यूरेटली एट्रीब्यूट टू देयर क्रिएटर्स, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन क्रिएटिव इंडस्ट्री। अब एक तख्लीक कार सनतों में वहां पर क्या है कि जो उनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं या जो क्रिएटर्स होते हैं उन प्रोग्राम्स के, वो क्या कर रहे होते हैं, इन कॉपीराइट लॉ के जरिए उनकी प्रोमोशंस कर रहे होते हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी कर रहे होते हैं, ये तमाम भी जो है उनके एडवांटेजेस में आ जाते हैं। नंबर 4, प्रमोट्स द क्रिएशन ऑफ न्यू एंड डाइवर्स वर्क, इनक्रेजिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे क्या है कि उनकी जो भी इनोवेशंस हो रही है, जो भी उनकी क्रिएटिविटी हो रही है, उन सबको जो है वो एक न्यू फॉर्म में लाने के लिए भी कॉपीराइट लॉ के एडवांटेजेस, कॉपीराइट लॉ का जो है वो यूज किया जाता है। नंबर 7 क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। ठीक है, अब सीपीयू के मेन कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास दो जो है वो मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं। नंबर 1 है कंट्रोल यूनिट और नंबर 2 है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो पहली हेडिंग आप देंगे कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट में क्या है, द कंट्रोल यूनिट इज अ कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड अदर डिवाइसेस। अब इसमें क्या, देखिए कंट्रोल यूनिट एक ऐसा कंपोनेंट होता है सीपीयू का जिसमें क्या होता है कि जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होती है उसको एग्जीक्यूट करने का काम, डेटा को जो फ्लो ऑफ डेटा हो रहा होता है उसको कंट्रोल करने का काम भी जो है वो आपका कंट्रोल यूनिट का होता है, क्योंकि सीपीयू से लेके अदर डिवाइसेस के दरमियान में डेटा आपका फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने का काम जो है, यानी कि ओवरऑल आपके सीपीयू को कंट्रोलिंग करने का काम जो है वो कंट्रोल यूनिट का होता है। नंबर 2 है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये क्या है, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज अ कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा। अब ये क्या, डेटा पर आपके जो है जो भी आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या लॉजिकल ऑपरेशंस है, उनको परफॉर्म करने के लिए जो है वो इसका यूज किया जाता है।
ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस है, एंड और नॉट, इस तरह के फंक्शंस आप लॉजिकली परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर भी जो है वो हम इस अर्थमेटिक लॉजिकल और लॉजिक यूनिट का काम लेते हैं। उसके बाद आ जाती है ड्रॉ OSI मॉडल। अब देखें ये OSI मॉडल की सिर्फ आपको एक डायग्राम यहाँ पे बनानी है। नंबर वन पे क्या आ जाएगी, फिजिकल लेयर है। नंबर टू पे डेटा लिंक लेयर है, ठीक है। फिजिकल लेयर में आपके पास मीडिया सिग्नल एंड बाइनरी ट्रांसमिशन आ जाती है, डेटा लिंक में आपके पास मैक एंड LLC, फिजिकल जो एड्रेसिंग आप कर रहे होते हैं वो आ जाती है। नेटवर्क में क्या होता है, पाथ डिटरमिनेशन एंड IP, यानी जो आप पाथ डिटरमाइन करवा रहे होते हैं, या जो IP एड्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी नेटवर्क में आ जाती है। ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी, जो आपकी डेटा एक जगह से दूसरी जगह आप सेंड करवा रहे होते हैं, एंड टू एंड कनेक्शंस होती हैं वो आपकी ट्रांसपोर्ट में आ जाती हैं। देन उसके बाद है सेक्शन सेशन इंटर होस्ट कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर। और नंबर सिक्स पे क्या है, डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्रिप्शन, आपके डेटा को रिप्रेजेंट करवाने के लिए और इंक्रिप्शन करवाने के लिए भी जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर का यूज किया जाता है। और नंबर सेवन पे है एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन होती हैं उसको प्रोसेस करवाने के लिए इन नेटवर्क लेयर्स का, एप्लीकेशन लेयर का जो है वो यूज किया जाता है। तो ये आपकी बिट्स में आ जाती है, डेटा लिंक आपकी फ्रेम्स में आ जाती है, नेटवर्क आपके पैकेट्स में आती है, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में, और बाकी जितने भी आपकी सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर्स हैं ये आपकी जो है वो होस्ट लेयर यानी कि डेटा में आ जाती हैं। एक सिंपल सी डायग्राम से जो कि आपने बना के जो है वो शो करवानी होती है इसमें। नंबर नाइन पे है डिफरेंशिएट बिटवीन ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, इन दोनों में फर्क बताना है। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे डिफरेंसेस बिटवीन ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे नंबर वन पे क्या है, डेटा इज सेंड इन फॉर्म ऑफ बाइट्स और करेक्टर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि डेटा आप बाइट्स और करेक्टर्स की फॉर्म में सेंड कर रहे होते हैं। सिंक्रोनस में क्या होता है कि डेटा इज सेंड इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और फ्रेम, यानी कि एक साथ जो है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में या फ्रेम्स की फॉर्म में जो डेटा को सेंड किया जाता है। नंबर टू, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज स्लो, ये जो है वो स्लो होती हैं, और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो फास्ट होती हैं एज कंपेयर टू ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। नंबर थ्री, ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज इकोनॉमिकल और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज कॉस्टली, ये जो है वो ए सिंक्रोनस जो है वो आपकी सस्ती आप कह सकते हैं इनको चीप होती है, जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन देयर इज अ गैप प्रेजेंट बिटवीन डेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब इसमें डेटा सेंड होता है तो इनके दरमियान में गैप आ जाता है, गैप के जरिए जो है वो डेटा को सेंड कर रहे होते हैं, जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में कोई गैप नहीं होता। ये जितना टाइम एक डेटा ले रहा होता है उसी के आगे वाला जो टाइम है वो भी बिल्कुल सेम ही होता है, तो इसमें कोई भी गैप नहीं होता। नंबर फोर पर है, फाइव पे, इट इज कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन, इसको डिजाइन करना मुश्किल होता है, जबकि सिंक्रोनस को डिजाइन करना आसान होता है। नंबर सेवन, अब इसकी एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था ईमेल्स हैं, लेटर्स हैं, फॉरम्स हैं, ये इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं, जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की एग्जाम्पल में आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ठीक है, उसमें डेटा टाइम टू टाइम सेंड हो रहा होता है और उसमें चेंज नहीं आता, कोई गैप नहीं आ रहा होता, ठीक है। चैट रूम्स हैं, टेलीफोनिक कन्वर्जेशंस हैं, स्काइप कॉल्स हैं, वो सारे आपके सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में आ जाते हैं। तो ये इन दोनों के जो हैं वो फर्क हैं। नंबर टेन, हाउ कंप्यूटर्स कैन बी यूजफुल इन मेडिकल साइलेंस, मेडिकल साइलेंस की बात की जाती है तो वहां पर जो है वो इसके कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। अब देखें कंप्यूटर्स के बहुत सारे जो हैं वो फायदे हैं, मेडिकल साइंस में अगर बात करते हैं तो देखें इसमें आपके डेटा एनालिसिस है, इमेजिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स रखना है जो आपका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रख रहे हैं, टेली मेडिसिन से। अब टेली मेडिसिन क्या है कि आप जो है वो कोई भी ऐसा पेशेंट आपका जो कि फिजिकली उस जगह पर मौजूद नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी जो है वो टेली मेडिसिन यानी कि डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है वहां पर उनसे अपनी जो आपको डिजीज है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मेडिसन्स के जो हैं वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वो आपकी टेली मेडिसिन में आ जाती है। टेली का मतलब होता है दूर,
दूर से आप जो है कोई मेडिसिन ऑनलाइन जो है वो डॉक्टर्स से कनेक्ट होके कर रहे हो, तो वो भी आप कंप्यूटर्स की मदद से कर रहे होते हैं, या जो ड्रग डिस्कवरी है, जो मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो भी सारी आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड आ जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है, देखें, दे अलाउ फॉर फास्टर एंड मोर अक्यूरेट डायग्नोसिस। ये भी तमाम जितने भी डायग्नोसिस हो रही होती है वो कंप्यूटराइज सिस्टम्स के जरिए हो रही होती है। एफिशिएंट स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन, जो भी आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं वो कंप्यूटर के जरिए कर रहे होते हैं। रिमोट कंसल्टेशन भी, यानी कि ऑनलाइन आप डॉक्टर से रुजू कर रहे हैं, वो भी आप कंप्यूटर्स की मदद से कर रहे होते हैं। या फिर एंड सिमुलेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ न्यू ड्रग्स, या जो भी न्यू मेडिसिन बनाई जा रही हैं उन पे जो चेंजिंग हो रही है वो भी आप कंप्यूटर्स की मदद से कर रहे होते हैं। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स हैव रेवोल्यूशनाइज मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर एंड हैव द पोटेंशियल टू ग्रेटली इनहेंस मेडिकल साइंसेज। ठीक है, जितने भी आपकी हेल्थ केयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वहां पर जो है वो मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। लेवल डायग्राम ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप एक ब्लॉक डायग्राम बनाएं, अब ये क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर, या ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इस तरह से अगर कोई आपके पास सवाल आता है तो आप उसकी डायग्राम को इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इस तरह में आप सबसे पहले क्या है, इनपुट हो रहा है, इनपुट जो है वो आपका कंट्रोल में जा रहा है और कंट्रोल से फिर आउटपुट आ रहा है। अब ये क्या, कंट्रोल यूनिट देख रहा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को। ठीक है, वो फिर आपका मेन मेमोरी में आ जाता है, यानी कि रैम में। मेन मेमोरी जो है वो आपकी कहाँ पर वर्क कर रही होती है, एक्सिलरी स्टोरेज में। एक्सिलरी स्टोरेज यानी कि जो कि आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द इंस्ट्रक्शन साइकिल विद लेबल डायग्राम। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, द इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑल्सो नोन एज द फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। अब ये क्या है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल को आप फैच या डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं। इज द फंडामेंटल प्रोसेस बाय विच अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये एक ऐसा बुनियादी अमल होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर जो है वो जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसको एग्जीक्यूट करवा रहा होता है, उसको रन करवा रहा होता है। इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट गोस थ्रू। अब ये यानी यहाँ पे ये बताया कि एक ऐसा स्टेप है जिसमें जो आपका सीपीयू है वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को रीड भी करवा रहा होता है और एग्जीक्यूट भी करवा रहा होता है आपकी कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी होती है वहां से, उस मेमोरी से जो है वो को एग्जीक्यूट भी करवाता है और रीड भी करवा रहा होता है। अब लेवल डायग्राम की अगर बात की जाए तो देखें, सबसे पहले आप फैच इंस्ट्रक्शन देंगे, यानी कि इंस्ट्रक्शन फैच होगी, उसके बाद क्या होगा, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा। डिकोड करवाने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को क्या होगा, रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी मेमोरी। अब यहाँ से उस मेमोरी से उस एड्रेस को वो रीड करेगी, देन क्या होगा, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसको एग्जीक्यूट करके आगे जो है वो रन करवा देगी। तो ये है आपकी सिंपल सी इंस्ट्रक्शन साइकिल की डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट फुल फॉर्म ऑफ एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। नंबर वन पे है MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। नंबर टू ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। LED, लाइट इमिटिंग डायोड। और OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन द कंप्यूटर वायरस, नेम एनी टू वायरसेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, कंप्यूटर वायरस क्या होता है और उसके कोई दो नाम बताएं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे सवाल किया जाए कि डिफाइन द कंप्यूटर वायरस, डिफाइन एनी टू वायरस एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वायरसेस। ठीक है, अगर टाइप्स की बात की जा रही तो टाइप्स आप डिफाइन करेंगे, मैक्रो वायरस है या कोई और सा आपके पास, वॉर्म वायरस है, ट्रोजन हॉर्स वायरस है, तो उन वायरसेस की टाइप्स को आप डिफाइन कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कंप्यूटर वायरस क्या है और वायरस के कोई भी दो नाम बता दें। ठीक है, अब आपने सिर्फ नाम बताना है, टाइप्स को डिफाइन नहीं करना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप कंप्यूटर वायरस जो है एक ऐसी टाइप है, कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर डेट कैन रिप्लीकेट इट सेल्फ, यानी ये खुद से फैलती है
एंड स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर हो जाती है। अ वायरस कैन अटैच इटसेल्फ टू अ लेजिटिमेट प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट एंड एग्जीक्यूट व्हेन द प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट इज ओपन और एग्जीक्यूट बाय अ यूजर। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि वायरस जो है वो अटैच हो जाता है किसी भी प्रोग्राम के साथ, किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ, फिर वो एग्जीक्यूट होता है। जब उस प्रोग्राम को या उस डॉक्यूमेंट को आप ओपन करेंगे तो वो जो है वो सिस्टम पे जो है वो लोड हो जाता है। वंस अ प्रोग्राम इन्फेक्ट्स अ कंप्यूटर, इट कैन कॉज अ रेंज ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स। एक बार वायरस आपके कंप्यूटर पर इन्फेक्ट कर दे तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है आपके सिस्टम के लिए। जैसे कि आपकी फाइल को डिलीट कर सकता है, करप्ट कर सकता है, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशंस को चुरा सकता है, आपके सिस्टम्स के हार्डवेयर तक को जो है वो डैमेज कर देता है। ये थी कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कंप्यूटर वायरस के नेम्स हैं। नंबर वन पे है वाना क्राई के नाम से एक कंप्यूटर वायरस है। अब इसमें क्या था, दिस वायरस वॉज अ रैंसम वेयर अटैक डेट स्प्रेड रेपिडली इन 2017। अब ठीक है, ये एक रैंसम वेयर वायरस कहलाता है जो कि 2017 में फैलना शुरू हुआ था और इसने तकरीबन 2 लाख के करीब कंप्यूटर्स को जो है वो अटैक किया था और 150 कंट्रीज जो है वो इस पर मुश्तमिल थी। रैंसम वेयर वायरस मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि रैंसम वेयर वायरस वो वायरस होता है जिसमें क्या, इसमें क्या होता है कि हैकर्स जो होते हैं वो आपके सिस्टम पर कुछ फाइल को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका सिस्टम लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद क्या होता है कि जितना आपका डेटा होता है कंप्यूटर का उन हैकर्स तक चला जाता है और फिर वो आपसे पैसों की डिमांड करके जो है वो आपको जो है उसकी डिक्रिप्शन की जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसको रैंसम अटैक वायरस कहते हैं। तो ये एक माना कराए एक रैंसम वायरस का नाम है। दूसरा है मेलिसा वायरस। मेलिसा एक मैक्रो वायरस कहलाता है। अब ये क्या है, डेट स्प्रेड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इन 1999 में ये फैलना शुरू हुआ था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट की मदद से। इसमें क्या होता था, इट वुड इन्फेक्ट कंप्यूटर व्हेन यूजर ओपन इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड देन रिप्लिकेट इटसेल्फ बाय सेंडिंग आउट इन्फेक्टेड ईमेल्स टू द यूजर्स कॉन्टेक्ट। अब इसमें क्या, जैसे ही आप उस एमएस वर्ड की फाइल को ओपन करेंगे वो आपके पूरे सिस्टम्स में जो फैल जाएगा और जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन होंगी, ईमेल आईडी, पासवर्ड्स, कॉन्टैक्ट्स, उन सबको जो है वो वहां से हैक करना शुरू कर देगा। नंबर 15, डिफाइन स्टार टोपोलॉजी एंड गिव इट्स एडवांटेजेस। ठीक है, आप अब यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी की आपने डिफाइन करना है और उसके कोई से भी चार जो है वो एडवांटेजेस आप बता दें। स्टार टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल द डिवाइसेस इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें आपकी तमाम डिवाइसेस एक सेंट्रल हब से या स्विच से या जो है वो सर्वर से जो है वो कनेक्ट हो जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि ईच डिवाइस इज इन द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू द हब विथ अ डेडिकेटेड केबल। एक केबल के जरिए उस हब के साथ तमाम डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं एंड ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस इज राउटेड थ्रू द हब। अब जितनी भी उन कंप्यूटर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही होती है वो उस हब की मदद से या स्विच की मदद से या उस राउटर उस सर्वर की मदद से जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। एडवांटेजेस हमारे पास आ जाते हैं। नंबर वन पे है एडिंग न्यू टर्मिनल्स टू द नेटवर्क इज सिंपल। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई नया कंप्यूटर ऐड करना हो तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। नंबर टू, डेटा कॉलिजन इज नॉट पॉसिबल सिंस अ सेंट्रल सर्वर प्रोहिबिट्स मैसेज कॉलिजन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा की जो कॉलिजन होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि इसमें एक बीच में सर्वर लगा होता है, वो उनको कोलाइड होने से जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नंबर थर्ड, इफ देयर इज अ लिंक बिटवीन अ कम्युनिकेशन डिवाइस एंड द मेन सर्वर द नेटवर्क्स डिवाइस विल कंटिन्यू टू फंक्शन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा लिंक आ जाए कम्युनिकेशन डिवाइस के दरमियान में या मेन सर्वर के दरमियान में तो जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस होंगी वो आपस में कंटिन्यू फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती है, उनके फंक्शंस रुकते नहीं है। नंबर फोर, एडिंग न्यू नोड्स टू द नेटवर्क डज नॉट इंक्रीज द ट्रांसमिशन टाइम बिटवीन टू टर्मिनल्स और बिटवीन अ सर्वर एंड ए टर्मिनल बिकॉज एनी टू डिवाइसेस कैन ओनली बी कनेक्टेड बाय टू लिंक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आप
कोई न्यू नोड्स, नोड्स का मतलब है कंप्यूटर, यहाँ पे नेटवर्क, कोई आप नया कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कोई असर नहीं करेगा उसकी ट्रांसमिशन टाइम में, उस टर्मिनल्स के टाइम में, उस सर्वर्स के परफॉर्मेंस पर जो है उससे कोई असर नहीं होगा। तो ये जो है उनके एडवांटेजेस में आ जाता है। तो ये थे 15 क्वेश्चंस सेक्शन बी के, ठीक है। ये मैंने आपको सारे जो है वो इसमें करवा दिए हैं, इनको आप देख लीजिएगा और इसी के हिसाब से जो है वो आपने इनको सॉल्व करना है। ज्यादा डिटेल में भी ना आ जाएं और बहुत ज्यादा इनको शॉर्ट भी नहीं करिएगा। सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके कुछ फंक्शंस जो है वो आपने बताने। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्राइमरी सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। देख, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्राइमरी सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होता है, और जितनी भी आपके कंप्यूटर प्रोग्राम की कॉमन सर्विसेज होती हैं उनको प्रोवाइड करने का, मैनेज करने का काम भी जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के दरमियान में एक ये इंटरमीडियरी तौर पर जो है एक बीच के फर्क के तौर पर जो है वो काम कर रही होती है। एंड इनेबल्स द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम, और जो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स और यूजर के दरमियान में इंटरेक्शन हो रही होती है वो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मदद से ही होती है। फंक्शन परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? नंबर 1 है रिसोर्स मैनेजमेंट, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस सिस्टम रिसोर्स सच एज मेमोरी, सीपीयू एंड स्टोरेज बाय एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग देम टू डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके जितने भी रिसोर्स मैनेजमेंट्स होते हैं, जैसे कि मेमोरी है, सीपीयू है, स्टोरेज की एलोकेटिंग कर रहे हैं, डी एलोकेटिंग कर रहे हैं, उन तमाम को ये डिफरेंट एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने का काम जो है वो उनको रिसोर्स करने का काम रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। नंबर 2 पे है यूजर इंटरफेस, इसमें क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस दैट इनेबल्स यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। अब यूजर इंटरफेस का एक फंक्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा होता है जिसमें आप कंप्यूटर्स के साथ इंटरफेस, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और कमांड लाइन इंटरफेस है। नंबर 3 इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, अब यहाँ पे क्या है, द ओएस हैंडल्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बाय मैनेजिंग डिवाइसेस ड्राइवर्स एंड कंट्रोलिंग डेटा ट्रांसफर बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द सीपीयू। अब इसमें क्या है, जितने भी आपकी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट होती है उसको मैनेज करने का काम, जैसे कि डिवाइस ड्राइवर्स हैं, आप डेटा को कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मदद से, सीपीयू में भेज रहे हैं, वो तमाम जो है वो आपका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में आ जाता है। नेटवर्क मैनेजमेंट में क्या है, द ओएस मैनेजेस नेटवर्क कनेक्शन एंड प्रोटोकॉल्स इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। अब इसमें क्या है कि नेटवर्क मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है आपके कनेक्शंस, नेटवर्क कनेक्शन, प्रोटोकॉल्स, इनेबलिंग कम्युनिकेशंस या डिफरेंट डिवाइस जो होते हैं नेटवर्क पर, वो आपके तमाम नेटवर्क मैनेजमेंट में आ जाते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात करें तो देखें यहाँ पे क्या है कि द ओएस इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम बाय कंट्रोलिंग एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस, मेलवेयर एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स। जितने भी आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, मेलवेयर अटैक्स होते हैं, अनऑथराइज एक्सेस जो हो रहे होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। नंबर नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट, द ओएस मैनेजेस फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, जैसे कि आपकी इंक्लूडिंग क्रिएटिंग है, डिलीटिंग है, कॉपिंग है, मूविंग फाइल्स हैं, कंट्रोलिंग उनको एक्सेस करने का काम है, उस तमाम जो है वो फाइल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी, अब यहाँ पे क्या है, देखें ओएस जो है वो एरर्स को डिटेक्ट भी करता है, या जो आपके हार्डवेयर फेलियर्स होते हैं उनको रिकवर्स करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिलायबल समझा जाता है। तो ये थे इसके कुछ फंक्शंस।
क्वेश्चन नंबर टू है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया चैनल यूज इन डेटा कम्युनिकेशंस। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया या आप कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन भी कहते हैं। अच्छा, ये सवाल अक्सर इस तरह आ जाता है कि डिफाइन करें कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन, डिफाइन करें कम्युनिकेशन चैनल, डिफाइन करें कम्युनिकेशन मीडिया, व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया एंड डिस्क्राइब इज डिफरेंट टाइप। ये तमाम एक ही चीज है, क्वेश्चंस घूम फिर के जो है वो आपके बोर्ड के पेपर्स में आ जाता है। तो आंसर आप जो है वो यही आप लिख सकते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया और चैनल डेट आर कॉमनली यूज इन डेटा कम्युनिकेशन। बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन उसमें से कई जो हैं वो इसमें आपके पास डिफाइंड हो रही हैं। नंबर वन पे है वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड यानी कि जिसमें आप, इसमें क्या होता है, वायर कम्युनिकेशन रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन यूजिंग फिजिकल वायर्स और केबल्स। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉमनली यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क, टेली कम्युनिकेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। देखिए, वायर नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसको आप फिजिकली वायर के जरिए या केबल्स के जरिए कनेक्ट करके यूज कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, आप आमतौर पर कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ, टेली कम्युनिकेशंस के साथ, या जो दूसरी डेटा कम्युनिकेशंस की फॉर्म होती है उस पर। अब अगर हम बात करते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ वायर नेटवर्क्स की, तो नंबर वन पे आ जाती है ट्विस्टेड पेयर केबल। दिस इज अ टाइप ऑफ केबल दैट कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टूगेदर। जैसे ये पहले आपको पढ़ा चुका हूं कि ये आपके पास पेयर्स की फॉर्म में होती है और इंसुलेटेड कॉपर वायर्स इसमें लगी होती हैं, और ये एक दूसरे से ट्विस्टेड हुई भी होती है। इट इज कॉमनली यूज फॉर इथरनेट नेटवर्क्स एंड टेलीफोन लाइन्स। ठीक है, ये टेलीफोन लाइन्स में और इथरनेट केबल्स में इनका जो है वो आमतौर पर यूज किया जाता है। नंबर टू है कोएक्सियल केबल। ये भी एक जो है वो सेंट्रल कंडक्टर सराउंडेड केबल होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विद अ लेयर ऑफ इंसुलेटेड इन बिटवीन। अब इसके ऊपर भी एक इंसुलेशन की लेयर्स जो है वो दी जाती हैं, और इसमें आप इसको अक्सर यूज कर रहे होते हैं जो टेलीविजन की केबल्स होती हैं वहां पर, या जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं वहां पर भी कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। नंबर थर्ड पे है फाइबर ऑप्टिक केबल। देखें, ये एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर थिन स्ट्रैंड्स का यूज किया जाता है, यानी ग्लास के बहुत बारीक बारीक से धागे होते हैं, उन धागों से जो है ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स को बनाया जाता है, या प्लास्टिक फाइबर्स भी इसको आप नाम दे सकते हैं, जो कि डेटा को ट्रांसमिट करती है लाइट सिग्नल्स की मदद से। लाइट के सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं, उनकी मदद से जो है वो डेटा को ट्रांसफर कर रही होती है, और ये आमतौर पर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन करती है, और ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए डेटा ट्रांसमिशन के लिए लॉन्ग डिस्टेंस पर आप फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज कर रहे होते हैं। देन टाइप आ जाती है वायरलेस कम्युनिकेशन। अब वायरलेस में क्या है, देखिए वायरलेस का मतलब क्या है, जो कि फिजिकली अवेलेबल नहीं हो, डज नॉट यूज फिजिकल केबल टू ट्रांसमिट डेटा। ठीक है, जिसमें आप केबल का यूज नहीं कर रहे हैं फिजिकल, वो आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाती है। इसमें आपके पास रेडियो वेव्स आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रा सिग्नल्स रेस आ जाती हैं। ये क्या करती हैं, डेटा को ट्रांसमिट करती हैं थ्रू द एयर, हवा की मदद से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रही होती हैं। अब वायरलेस कम्युनिकेशन में आपके पास वाईफाई है, ब्लूटूथ है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस आ जाते हैं। अब इसकी अगर टाइप्स की बात करते हैं, तो नंबर वन पे है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो कि माइक्रोवेव सिग्नल्स की मदद से यूज की जाती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, और इसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के तौर पर भी यूज किया जाता है। टू लोकेशन से, यानी कि दो लोकेशन से, दो बिल्डिंग्स हैं उन पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस बना दिए जाते हैं, उसकी मदद से जो है वो डेटा सेंड हो रहा होता है, जैसे कि टू बिल्डिंग्स के दरमियान में आप कर रहे हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन की टाइप होती है जो कि सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हुए डेटा को ट्रांसफर कर रही होती है, बहुत ज्यादा लंबे फासलों पर, लॉन्ग डिस्टेंसेस पर जो है वो उनका सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का यूज किया जाता है, और इसको आमतौर पर यूज करते हैं टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के लिए, टेलीफोन कॉल्स के लिए, या जो इंटरनेट कम्युनिकेशंस होती हैं जिनको आप रिमोटली एरियाज में एक्सेस कर रहे होते हैं वहां पर भी जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का यूज किया जाता है। द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया और चैनल डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब देखें, कम्युनिकेशन मीडिया
या चैनल को की चॉइस जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से पर मुनहसिर होती है। जैसे कि आपका अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के डिस्टेंस है, तो उसके हिसाब से आपको कम्युनिकेशन मीडिया को देखना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड, अब आपने कितना डेटा सेंड करना है उसके हिसाब से फिर आप कम्युनिकेशन मीडिया देख रहे होंगे। द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड, कितनी स्पीड आपको ट्रांसमिशन की चाहिए उसके हिसाब से आप कम्युनिकेशन मीडिया को देख रहे होंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ द मीडिया, अब उस मीडिया की कॉस्ट क्या है उस हिसाब से भी आप कम्युनिकेशन मीडिया को जो है वो यूज कर रहे होते हैं, उनको इंस्टॉल कर रहे होते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रजिस्टर, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। अब देखिए रजिस्टर क्या है, रजिस्टर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्ट मेमोरी डेट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन डेट आर करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। देखिए रजिस्टर जो एक ऐसी स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्ट मेमोरी होती है, वहां पर क्या होता है कि एक सीपीयू के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी डेटा है, ठीक है, उसकी इंस्ट्रक्शन को, उस डेटा को स्टोर करने के लिए जो है वो रजिस्टर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि सीपीयू मिसाल के तौर पर उसको आप बहुत सारे मल्टीटास्किंग फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे हैं, तो सीपीयू की एक जो है मेमोरी है, ये रजिस्टर एक सीपीयू की मेमोरी होती है। अब सीपीयू क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को उसमें स्टोर कर देता है, ताकि अगर उसको बाद में पता करना पड़े कि ये डेटा मुझे कहाँ पे भेजना है, तो वो रजिस्टर्स की तरफ आता है और वहां से उस इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस कर रहा होता है, ताकि उसको देख सके कि उस डेटा को कहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो रजिस्टर जो है वो एक ऐसी स्मॉल अमाउंट मेमोरी कहलाती है सीपीयू की, जो कि इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, और ये टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। रजिस्टर्स आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू एंड आर यूज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। आप ये बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है, जैसे कि आपका अर्थमेटिक यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के फंक्शंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, डेटा मूवमेंट हैं, कंट्रोल फ्लो ऑपरेशंस हैं, उन तमाम के लिए इन रजिस्टर्स का जो है वो यूज किया जाता है। अब अगर इसकी सेवरल टाइप्स की बात करते हैं, तो हमारे पास नंबर वन पे आ जाती है प्रोग्राम काउंटर या पीसी रजिस्टर। इसमें क्या होता है, दिस रजिस्टर कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। अब यहाँ पे क्या है, यानी कि सीपीयू को जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी होती है उसका जो मेमोरी एड्रेस होता है वो किस में होता है, प्रोग्राम काउंटर में होता है। नंबर टू, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर, दिस रजिस्टर कंटेन्स द करंट इंस्ट्रक्शन डेट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। अब यानी कि सीपीयू को जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो किस में होती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होती है। यानी कि ये रजिस्टर क्या करता है, जो करंट इंस्ट्रक्शन होती है जो सीपीयू को एग्जीक्यूट करवानी है उसको ये देख रहा होता है। नंबर थ्री पे है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR, दिस रजिस्टर कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा। अब यहाँ पे क्या, यानी कि एक डेटा का जो मेमोरी एड्रेस होता है ये उस पर मुश्तमिल होता है, डेट इज टू बी रीड फ्रॉम और रिटर्न टू द मेमोरी, जो कि उस मेमोरी से कोई भी डेटा को आप रीड करवा रहे हैं या उसमें आप रिटर्न करवा रहे हैं, उसका जो मेमोरी एड्रेस होता है वो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स में पाया जाता है। इसी तरह से मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR है। अब इसमें क्या है, दिस रजिस्टर कंटेन्स द डेटा डेट इज रीड फ्रॉम और रिटर्न टू द मेमोरी। अब यहाँ पे क्या है, एक मेमोरी में से उस डेटा को रीड करने के लिए जो कि उसमें रीड हुआ हुआ है या उसमें आप राइट करवा रहे हैं, वहां पर जो है वो आप MDR का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये रजिस्टर क्या करता है, दिस रजिस्टर कंटेन्स द डेटा डेट इज रीड, यानी कि वो डेटा जो कि मेमोरी में रीड है या आप उसको राइट करवा रहे हैं उस पर मुश्तमिल जो है वो आपका MDR रजिस्टर कहलाता है। देन आपके पास है अक्यूमुलेटर रजिस्टर ACC के नाम से ये रजिस्टर है। इसमें क्या है, दिस रजिस्टर इज यूज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी कि जो भी आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या जो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको स्टोर करने का काम जो है वो अक्यूमुलेटर रजिस्टर का होता है। नंबर लास्ट पे है स्टेटस रजिस्टर SR, दिस रजिस्टर कंटेन्स स्टेटस फ्लैग फ्लैग्स डेट आर सेट बाय द सीपीयू। अब इसमें क्या होता है कि इसमें
इस रजिस्टर में जो है वो एक स्टेटस फ्लैग्स बन जाते हैं जो कि सीपीयू सेट कर रहा होता है टू इंडिकेट द आउटकम ऑफ वेरियस ऑपरेशंस, ठीक है, सच एज अर्थमेटिक ओवरफ्लो और डिवीजन बाय जीरो। अब यहाँ पे क्या है कि जो आउटकम आ रहा है ऑपरेशंस का, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं या जो डिवीजन है जीरो को लेके, ठीक है, ओवरकम ओवरफ्लो डिवीजन हो रही है, यानी कि जीरो से आप कोई वैल्यू डिवाइड करवा रहे हैं या अर्थमेटिक वैल्यू ओवरफ्लो हो रही है, तो वहां पर जो है इन वेरियस ऑपरेशन से जो आउटकम मिल रहा होता है वो सीपीयू तक को इंडिकेट करने के लिए स्टेटस रजिस्टर्स एस आर रजिस्टर का जो है वो यूज किया जाता है। तो इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6, 5 to 6 जो है वो टाइप्स आ जाती हैं और उसकी जो है वो एक डेफिनेशन आ जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कवर किया 2022 के सेक्शन बी के तमाम क्वेश्चंस आंसर्स और सेक्शन सी के जो है वो डिटेल आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।